कंपन की तलाश है, रॉफल, पेगासस, अडानी, हिंडनबर्ग, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, आर्थिक असमानता, मणिपुर, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, चाहिए मुद्दे एक के बाद एक मुद्दे जिनके पास आपके पास जवाब नहीं है। सुन लो ना, सुन लो, 11% की बेरोजगारी थी इनके टाइम में और हमारे में है 8.8। सेशन नहीं चलने दिया था पूरा, कौन सा सेशन था? मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था, आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप, सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा में एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बोलिए, नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, ये भी सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई, आपकी तरह में कुछ नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है, कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा? स्ट्रक करने लगे, मैं एक मिनट बोली थी अभी तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने, बहुत ही मजेदार होने वाला, क्योंकि आज के इस डिबेट शो में बहुत ही तीखी बहस देखने को मिली है सुप्रिया सिनेत और सुधांशु त्रिवेदी और अरविंद वाजपेयी के बीच में। यह शो आज तक का चैनल का लिया गया है। अब बाकी आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत मजा आने वाला है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज का डिबेट तो आपने ऐसा डिबेट तो कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। अरविंद वाजपेयी जी, आपसे प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है 146 सांसदों को? आखिर कुछ चुने हुए सांसद हैं जो लोग आए हैं संसद। ये नहीं है, इसका दूसरा पक्ष भी है। क्या देखिए, व्यवस्था इम्पोर्टेंट होती है। अब मैं यहाँ से चल के आऊँ और आपको शो ना करने दूं तो कैसा लगेगा आपको? इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद। आप पक्षपात कर रही हैं यहाँ पे, आप कैसे पक्षपात कर रही हैं? मेरे को टाइम नहीं देती आप, क्यों नहीं टाइम देती आपने? मतलब इसके बाद मत आइए, आप जाइए। कैसे लगे, कैसे होगा शो, कैसे होगा? ये है व्यवस्था, व्यवस्था ज्यादा झेल चुकी हूँ मैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, व्यवस्था अगर नहीं होगी, व्यवस्था फेंकी जाए, माइक भी उखाड़ा जाए, वही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं वही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि व्यवस्था अगर सांसद लोग नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा काम। देखिए, इस सरकार ने और स्पीकर साहब ने तय किया है, और तय करने से पहले इन सबको बुलाया सांसदों को, उनकी उसमें सहमति बनाई कि डिस्प्ले कार्ड नहीं लाओगे, बैठे सुधांशु जी हैं, ये ज्यादा बताएंगे, और स्लोगन साउटेड नहीं करोगे, आसन के चारों तरफ नहीं आओगे, एग्री करने के बाद भी वो करोगे तो कैसे होगा? क्या एक्शन है? 374A रूल बुक का क्या कहता है? क्या आप कर सकते हैं सस्पेंड? अगर वायलेशन करोगे, ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे, व्यवस्था को खराब करोगे तो सस्पेंशन किया जाएगा। और 1989 में क्या हुआ था? 63 एमपी को सस्पेंड इन्होंने किया था, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तब तो हो अल्लाह नहीं मचा। और अब आज इस मुद्दे को अगर मुद्दा बनाना चाहते हो, यही तो मैं कहता हूँ कि इनको मुद्दों की तलाश है, रॉफल, पेगासस, अडानी, बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, आर्थिक असमानता, मणिपुर, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, चाहिए मुद्दे एक के बाद एक मुद्दे जिनके पास आपके पास जवाब नहीं है। सुन लो ना, सुन लो, 11% की बेरोजगारी थी इनके टाइम में और हमारे में है 8.8। बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे, बेरोजगारी पर जवाब देंगे ये लोग, अपना टाइम भूल जाते हैं, ऐसे ना करिए। देखिए, संसद की सुरक्षा बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, अगर उसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे तो ये जनता माफ करने वाली बिल्कुल नहीं है आपको, ये आपको ध्यान। पर अगर पलट कर जनता ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले, आप भी यही करते आए हैं? पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए, ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे, जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया आप लोग, कहा था आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाएं, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्यवाही रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष किसी से कहें कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने फिर कमरे में वो भी नहीं जाएं, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया, इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे, और जेल में भी कैसे थे, कोर्ट में नहीं जा सकते थे,
बेल भी नहीं मिल सकती थी। और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद न अपील न दलील न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे, इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं। अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंडन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है, एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से और एक कमेंट से वीडियो को रीच मिलती है, फिर हमारी वीडियो और भी लोगों तक जाती है। बस मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। पार्लियामेंट्स जॉब इज टू कंडक्ट डिस्कशंस बट मेनी अ टाइम पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोरिंग इश्यूज एंड इन सच सिचुएशंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, देयरफॉर पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। पार्लियामेंट का डिस्क्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है, बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा, आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था, आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप, सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी कंपनी है, आपकी तरह में कुछ नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन, कौन सा मुद्दा। स्ट्रक करने लगे, मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर ये मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई। और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कहकर खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा, बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं, अरे चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर तमाशे करते हैं। देश को बना दिया है, इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों के, एक एक करके। सुधांशु जी आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न, एक साथ जवाब दे, उसमें ठीक है प्लीज। सुधांशु सर आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं, जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है पुनिया जो बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी भी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है, दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। जवाब देता हूँ, पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब देता हूं, ये फोटो आपको परेशान करती है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया जी, देश की बेटी, सुप्रिया जी ये गलत बात है प्लीज, इस देश की फोटो है, नहीं मिश्री ने प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है, क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी का क्लास में दिखाई जाती है फोटो? अरे चुप रहिए आप, अब जवाब, आपको ये फोटो अटैच नहीं है, खुद माफी मांगिए इस लड़की से, जवाब दे रहा हूँ, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से, ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया, पूरे वक्त अब जवाब दे ले, अरे जवाब दे ले, सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई, इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया, कहा गया कुछ, सुनिए चुप रहिए,
कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा सुनिए पूरी बात करने दीजिए, पूरी आपने आपने कहा मैं आपसे भी अनुरोध चुप रहिए, बार बार बोल रही है आप चुप रहिए भाई। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, आप लोग करनी है, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज, आप भी चुप रहिए लगातार बोल रही है, प्लीज अब शुक्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट, टिप्पणी कर रही है, प्लीज आप मत बोलिए, आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी, टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं, उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई, जांच भी हो रही है, अब चुनाव कोई जीत गया अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए, ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया, वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिए और करिए, देखे तो ये देश की लड़कियां, आप लोग क्या क्या कैपेबल कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से अगला प्रश्न, आपको लगता है अगला प्रश्न, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, नेता जब चीखते हैं तो नहीं आवाज, आप माइक का आवाज उतना ही, आप बोलिए। नहीं नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना, हम ज्यादा सीधा खड़ा हुई। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सुधांशु जी ने बोला है कि हमारे सांसदों को जेल में पहुंचा, क्या उसका बदला सुधांशु मोदी जी हमसे पकौड़ा तलवा कर लेंगे क्या? सांसदों को जेल में पहुंचा, हाँ, अभी पीछे बोला था कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को जेल में पहुंचाया था, सबको बोलने नहीं दिया, तो उसका बदला अभी लिया जाएगा क्या पकौड़ा तलवा? समझ ही नहीं पाया, बेरोजगारी की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा, मैं बेरोजगार इमरजेंसी की बात कर रहे हो तुम, इमरजेंसी की बात, बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बताइए इमरजेंसी की बात करिए, वो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, सर ने बोला भैया वो जेल में नहीं है, सांसदों को बोला है कि सभी सांसदों को बोलने नहीं दिया, किसी को भी जेल में बंद कर दिया गया है कांग्रेस, कब बंद किया कांग्रेस? अभी सर ने बोला है, अरे कब बंद किया? इमरजेंसी में ही ना, इमरजेंसी से उसी टाइम पे बोला है, और आपको पता है कैसे बंद किया था? अरे पूछ रहा है, हथकड़ी लगा के पकौड़े तलवार है, वो पूछ रहा है, जवाब दे, उस पर जवाब दीजिए। सुनिए रोजगार की बात बताता हूँ, जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है, आप बैठ जाइए, और वो ऑटो चला रहा है, उसकी माँ का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता था। और इसके बाद अब क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं, हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था कंटिन्यूअसली, दिन में महीने में कई बार दिल्ली बैंगलोर लखनऊ बैंगलोर, वो पैसा कौन दे रहा था? शायद वही लोग हैं जो हमेशा सुरक्षा के ऊपर आइडियोलॉजिकल कवर देते, ये वही है जिनके लिए अक्सर हालात का मारा था, ये वही है जिनके लिए याकूब मीनाती पिटीशन की थी, इनके ये वही है जिनके लिए हाफिज साहब था, ये वही है जिनके लिए झाड़ देती थी, इसलिए ये वही है जिनको बताना उस इंकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे, पर संसद के हमले में जिन्होंने बलिदान कर दिया, उन्होंने मैडम वापस कर दिए थे, सोनिया गांधी के आंखों में आंसू, जब आप जो बोलना चाह रहे थे जल्दी से अपनी बात, 42% बेरोजगारी है, उसके आगे बोलिए 42%, आप दोनों इधर देख के बात कीजिए, बहुत हो गया आप लोगों का, प्लीज सर, आपसे भी और मैडम आपसे भी कह रही हूँ, आप लोग एक दोनों को देख के मत बात कीजिए, मैं तय करूंगी, हाँ तो आप उसको बताइए लेकिन मुझे देख के बात कीजिए, आपस में मत ऐसे शॉटिंग मैच करना है तो कहीं और जाना होगा।
आशा करता हूँ आज का डिबेट शो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के डिबेट शो में जिस प्रकार से सुप्रिया सिनेत और सुधांशु त्रिवेदी का डिबेट देखने को मिला है और इतनी जोरदार तिखी बहस देखने को मिली है, क्योंकि जो अभी संसद में दो युवा को पकड़ा गया है और जो वहाँ की पुलिस है दिल्ली पुलिस, उन्होंने अभी जो एक एक करके सबूत इकट्ठे कर रही है और ये जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर इन्होंने आज का डिबेट रहा। और आज के डिबेट में जब होता क्या है, जब कोई भी पक्ष किसी से अगर सबूत मांगता है तो उनके पास सबूत तो होता नहीं है। देखिए इस समय पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, इस समय आपको पावर और पोजीशन की बात है। जिसके पास पावर है वो आज सत्ता में है और जिसके पास पोजीशन है वो अपनी पोजीशन लेके विपक्ष में बैठा हुआ है, वो अलग बैठा है। बाकी आज का डिबेट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको वीडियो को लाइक इसलिए करना है कि ये वीडियो मेरे लिए, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हो सकता है मेरी रीच जाएगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक करने से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी, जिसके लिए और भी लोग अवेयरनेस का कहते हैं गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे, वो और लोग को जानकारी पहुंचेगी। तो आप लोग वीदियो को लाइक जरूर किया करिए। बाकी मिलते हैं दमदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।